हे ऑल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ लाइक कर लें। और चलिए, आज तो मेरा नागपुर में ये लास्ट दिन चल रहा है और ये वीडियोस आपको थोड़े से लेट ही मिलेंगे, क्योंकि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा लेट ही कर रही थी। चलिए, घर जाने की पैकिंग हो गई, सारा सामान समेट लिया और जो पहनना है, जो पेपर साइड रखना है, वो सब साइड करके निकल गए हम। अब पात्री साहब नीचे जाकर चेकआउट करेंगे। उसके बाद ये दुकान में आ गए, जहीन और यूसुफ के लिए रीडिंग टेबल ले लिए। उसके बाद यूसुफ के लिए नाइट पैंट, जब अभी वो क्लास को पढ़ने के लिए जाएगा ना एक्स्ट्रा से, उसके लिए ले लिए। और जहीन ने अपने लिए शॉर्ट्स ले लिए और मैंने अपने लिए बेडशीट लिए हैं। घर जाकर आपको सब बताऊँगी। अच्छा कॉटन मिल रहा था और प्राइस भी कम था, काफ़ी ब्रांड का चीज़ मिल रहा था, तो फिर मैं ऐसे चीज़ें हैं ना जल्दी से समेट लेती हूँ। और पादरी साहब के लिए वहाँ शॉर्ट्स नहीं मिले, फिर ये क्या बोलते हैं, जॉकी के दुकान में आए थे, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि यहाँ पर एक कार्टून लगा रहता है, देखो वो वाला होना मुझे बोल के, तो जहीन भी इतना हंसा और वो दुकान वाला झट से समझ भी गया। फिर वो मैंने पात्री साहब के लिए 3 खरीद लिए। उसके बाद हॉस्टल आ गए, पात्री साहब के रेस्ट करने तक मैंने भाजी खरीद के लेके आई। और ये देखिए, यूसुफ को बाय बोल रहे हैं। यहाँ से अब जहीन अटक गया, अब नहीं जाएगा जहीन। सूर्यवंशम का एक डायलॉग है ना, यूसुफ का चेहरा काफ़ी छोटा हो गया है, अब उसे अकेला रहना है ना, रह लेगा वो, मुझे यकीन है, पर मैं ही रह पाऊंगी नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मुझे रास्ते पर ये टेडी, टेबल, झूले देखने का भी शौक बहुत है, और बच्चे जब छोटे थे ना काफ़ी ज़्यादा ख़रीदती भी थी। अब बच्चे बड़े हो गए तो सिर्फ देख रही हूँ। ड्राइवर भैया को बोली थी कि गाड़ी थोड़ा सा स्लो कर लो, मुझे ये देखना है बोलकर। घर पहुँच गए, सलाम किया, हुजूर को सलाम किया, अंदर आ गई। और ये देखिए, मैं शिमला मिर्च लाई हूँ। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये दूसरे दिन की सुबह है, काम किस तरह से फैला पड़ा है देखिए। हमने साथ में ड्रिल मशीन भी लेकर गए थे, और ये जहीन के कपड़े धोना है। और चलिए वॉशिंग मशीन चालू करते हैं। ये मेरा ड्रेन वाला, ये मेरा पाइप, और ये मेरे कपड़े, आपको तो पता ही है। और बाकी ये सामान देखिए कितना फैला पड़ा है। और इधर से मैंने है ना जो जो अलग अलग धोने के हैं, डार्क कलर, फीके कलर, वाइट कलर, सब कपड़े अलग कर दिए हैं। डाइनिंग टेबल की तो हालत देखिए, अब जहीन आया है तो डिशवॉशर की भी हालत खराबी हो जाएगी। हर कमरे में काम था मेरे लिए। जब कपड़े धुल रहे हैं, ये कपड़े धुल गए हैं, सूखने डालने के हैं, और ये धोने के हैं। और ये है देखिए, ये मैंने एक्स्ट्रा रस्सी बांधी है, और जहाँ नहीं कपड़े डालती थी वहीं भी तार धो के पोंछ के हर तरफ मैंने कपड़े डाले हैं। अभी वो जो धो रही हूँ ना, वो कपड़े डालने के लिए मुझे जगह नहीं है। इसमें से मेरे दुपट्टे और जो पतले पतले कपड़े हैं ना, निकाल कर रखूँगी और वो सारे कपड़े डालूँगी। कपड़े धो धो कर काम कर कर के मुझे इतनी भूख लगी है। अभी 3-4 दिन से होटल में थी तो टाइम टू टाइम खाना हो रहा था, पर अब कहाँ खाने का ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो चलिए, आज मैं अपने लिए कच्चा सैंडविच बना रही हूँ। चीज़ स्लाइस रखे, उसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी, 30 सेकेंड कर लिया था मैंने माइक्रो में। और मुझे तो टमाटो सॉस पसंद है, आप सब लोगों को पता ही है। मैंने 2 स्लाइस पर टमाटो सॉस डाला है, और वही चीज़ें जो ककड़ी, प्याज, गाजर, एवोकाडो लिया है मैंने, मतलब पादरी साहब जब भी बॉम्बे जाते हैं तो मेरे लिए एवोकाडो तो लाते ही हैं। मैंने कई बार आपके साथ ये बातें शेयर भी की है। और आज मैं इसे ग्रिल नहीं करूँगी, तेल वगैरह कुछ नहीं लगाऊँगी, ऐसे ही कच्चा खाऊँगी। जहीन को भी पूछा है कच्चा खाएगा क्या बोलकर, हाँ बोला है, नहीं तो उसके लिए मुझे ग्रिल करना पड़ता। और एवोकाडो मुझे बहुत पसंद है, जितना इसमें सैंडविच में मैं तो वैसे ही रूखा ही खा लेती हूँ, उतना अच्छा लगता है, लेकिन परफेक्ट पका हुआ होना चाहिए।
और उधर दूसरे तरफ मैंने और एक सैंडविच बनाया जिसमें सॉस वगैरह नहीं लगाया था। आप चाहें तो इसे ग्रिल भी कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। देखिए उसके बाद मैं थोड़ा फ्रेश हो के आई हूँ, 2:15 बज रहे हैं। इसके बाद सारी कुकिंग करना है मुझे। ये गावरानी चिकन सालन है, जवारी चिकन रहता है ना, घर पर 2 मुर्गे घूम रहे थे वही कटवाए हैं, क्योंकि 3 थे, एक अंडे देने वाली थी और एक मुर्गा था, चलो कैसे भी घूम रहे हैं बोलकर छोड़े थे। पर परसों के दिन है ना, पादरी साहब के सामने ही, जिस दिन हम नागपुर जा रहे थे ना उसके एक दिन पहले, पादरी साहब के सामने ही बड़ी सी बिल्ली ने मुर्गी को पकड़ के लेकर गई, तब से पादरी साहब का मन थोड़ा छोटा हो गया। जहीन आने के बाद ज़ुबा कर देंगे रानी बोले थे, तो फिर जल्दी से करवा भी लिए हमने और धोकर साफ़ करके पानी नितरने के लिए रखी हूँ। ये गावरानी सालन है और इसकी रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी की है, पर जो नए व्यूवर्स आते हैं ना वो बोलते हैं रेसिपी तो सही से बताओ बोलकर। चलिए उनके लिए दोबारा से तेल डाला, मैं तो तेल थोड़ा सा दिल खोल कर ही डालती हूँ, और इंशाल्लाह मैं आज से है ना क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरी बातें लंबी हो जाती हैं और क्या बोलते हैं रेसिपी हमेशा पीछे चली जाती है, और ये प्रॉपर रेसिपी मैंने पहले भी दी है। चलिए फिर भी अभी आगे तो चला ही गया है, मैंने जो वो बर्फ़ का क्यूब डाला ना, प्याज ज़ीरा और अपना हरा धनिया अदरक लहसुन डाल के पीसा था ना, वही क्यूब डाला है तेल में, फिर उसको अच्छे से फ्राई करके बाकी सारे मसाले तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और वो चिकन के सालन में इमली डालना ज़रूरी है। और चलिए 3-4 दिन से मैं कंटिन्यू बघारे चावल बता रही हूँ आपको, अलग अलग तरीके के। इससे पहले नागपुर जाने से पहले के वीडियोज़ में आपने देखे होंगे, आज उसी में का एक और दूसरा बघारा चावल बता रही हूँ। इसमें कुछ नहीं डालना है, तेल डाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया डाला, और तड़का बनने के बाद चावल का डबल पानी डाला। चावल आज मैंने 400 ग्राम तक ही पकाए थे और नमक 1 चम्मच डाला। उसके बाद उसे 3 सीटी लेकर पूरी गैस रिलीज़ कर दी थी, चावल बहुत परफेक्ट बने थे और ये चावल बहुत हटके और बहुत टेस्टी बनते हैं। चलिए इधर दूसरे तवे पर 1 निवाला खसखस 1 निवाला खोपरा अच्छे से भून लिया है और उसे पीस लिया, और उसी में 1 निवाला बिरिस्ता डाला था और थोड़ा सा पानी डालकर 1 मुट्ठी हरा धनिया डालकर बारीक पेस्ट बना लिया। चिकन तो थोड़ा सा गलना बाकी है, 1 सीटी लेना पड़ेगा, तो उसमें ये सारा मसाला डाल दिया और गर्म पानी से थोड़ा सा मिक्सी जार रिंस करके डाल दिया, और आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप इसमें क्या बोलते हैं पानी डालना। मैं थोड़ा सा, ये थिक भी नहीं है रनी भी नहीं है, वैसा बनाया है। ऊपर से 1/2 चम्मच बाजार वाला चिकन मसाला डाला है, 1 सीटी ले ली है, और आज मैंने थोड़े से छोटे रोटियां बनाए हैं क्योंकि डिब्बे में सही से बैठना चाहिए। शाम को जहीन ठंडे रोटियां भी खा रहा है तो मुझे गर्म का ही प्रॉब्लम नहीं है। और इधर ये रोटियां बन गई, देखिए चावल का कलर कितना अच्छा आया है ना, खाने में भी बहुत जायकेदार होते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये तीनों चारों रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। प्रेस को जाने के कपड़े पूरा बैग भर दी हूँ, और ये मेरे थोड़े से कपड़े मैंने घड़ी कर लिए हैं, और बाकी जो रेगुलर बनियन वगैरह लगते हैं ना वो उनके रख दिए हैं। बाकी ये कपड़ों के लिए तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, हाथ बहुत दर्द कर रहे हैं, अब इसको छोड़ दूंगी, इसको कल देखूंगी। ये देखिए ये काम मैंने पहली बार किया है, मीशो से मैंने ये ड्रेस ऑर्डर किया था, 656 का है, और एड्रेस मैंने खुद डाला था पहली बार, हर चीज मैंने ऑनलाइन की, सब कुछ पहली बार किया है। हर टाइम में मेरा बड़ा लड़का कर देता है जहीन, या फिर मेरे छोटे देवर करके दे देते हैं सब कुछ, उसी पर मैं बाकी चीजें करती हूँ, पर इस बार मैंने अपने बलबूते पर हर चीज की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए ये पिंक वाला मंगवाया है मैंने, और फर्स्ट टाइम मंगवाई, रिटर्न करने का भी नहीं आया है, बहुत अच्छा आया है साइज ने, जो साइज मंगवाया है ना वो करेक्ट साइज आया है, पैंट भी इसकी काफी अच्छी है, दुपट्टा तो पूछो ही मत, माशाल्लाह माशाल्लाह है दुपट्टा, देखिए उल्टा दिखा रही हूँ। ये टिकली वर्क नहीं है, व्हाइट प्रिंट है और गोल्डन सर्कल है, ऐसा ऑनलाइन जब देखते हैं तो ऐसा लगता है टिकली वर्क है क्या, झगाझग है क्या, पर वैसा नहीं है, ये प्रिंट वर्क है।
देखिए दुपट्टा कितना अच्छा है माशाल्लाह। मुझे तो ये कपड़े से सब बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आपको कैसा लग रहा है ये कलर मेरे ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ढीला ढीला है, एकदम परफेक्ट है। ये मैंने डबल एक्सेल मंगवाया है और हमेशा अपने साइज से एक साइज बड़ा ही मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये रेयॉन का कपड़ा और कॉटन का कपड़ा है ना, पानी में डालने के बाद एक साइज छोटा होता ही है। और मैंने तो फ्रॉक तो छोटा हो भी जाए ना तो भी परफेक्ट हो जाएगा 1 सेंटीमीटर वगैरह, पर पैंट का मुझे थोड़ा ये लग रहा है, यहाँ थाइस पर है ना टाइट लग रही है। पर देखते हैं, कोई कोई कपड़ा ढीला होता है, कोई कोई कपड़ा टाइट होता है, ये क्या होता है देखेंगे। फिलहाल तो अच्छा है, वैसे उतना ज्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है, हल्का, क्योंकि मुझे थोड़ा लूज लूज पहनने की आदत है ना, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा लगता है। चलिए, वैसे गोल्ड फ्रॉक पर तो लेगिंग पैंट वगैरह पहनते हैं बारीक, पर ये एक अलग टाइप की पैंट दिए हैं, क्या इस पर ये अच्छा लग रहा है? वैसे तो अभी सब लोग पहन रहे हैं, फिर भी आप बोलिए क्या अच्छा लग रहा है, पहनना चाहिए क्या, उसे थोड़ा सा अल्टर कर लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थक गई हो ना? चलिए, मैं तो हॉस्पिटल जा रही हूँ, जाना जरूरी है। ये जो मेरे यहाँ फुंची हुई है ना, इसमें बड़े साइज की फुंची होती है, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, दुम्बुल बोलते हैं, और शायद मराठी में केस तोड़ बोलते हैं, इतना होता है वो, और बहुत पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, वो पीठ में हुआ है मुझे। और वैसे ही हालत में मैंने है ना यूसुफ को हॉस्टल वगैरह करके आई, ना मुझे सोते जम रहा था, ना मुझे गाड़ी में बैठते जम रहा था, तो आज जाकर हॉस्पिटल में दिखाकर भी आऊंगी। यहाँ भी 2-3 हुए हैं मुझे ऐसे मोटी मोटी फुंचियाँ, पर पीठ में बहुत बड़ी है। फिर अभी कल से रोजे चालू हो जाएंगे, और वो डॉक्टर अगर इंजेक्शन वगैरह करना है तो फिर मैं तो 10-12 दिन बिल्कुल नहीं निकलूंगी घर से बाहर। तो चलो, आज कल ही आए हैं नागपुर से और आज हॉस्पिटल जा रही हूँ, देखती हूँ क्या क्या होता है। अगर गोलियां वगैरह देंगे तो भी सिर्फ रात में खाऊंगी, रोजे कंप्लीट कर लूंगी। और साथ में मैं है ना गेहूं के रेडीमेड आटे की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने जितने भी होटल में रोटियां खाई ना, थोड़ी सी क्रिस्पी थी और मुझे उतना ज्यादा तकलीफ नहीं दिए। मैं जो घर में गेहूं पिसाती हूँ ना, वो मुझे थोड़ा तकलीफ देती ही है। तो कौन सा गेहूं का आटा सॉफ्ट और अच्छा रहता है, आप गेहूं पिसाते हैं कि गेहूं का आटा खाते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज। ये एक रेसिपी मैंने एक्स्ट्रा बनाकर रखी थी, नागपुर वाले किसी वीडियो में जोड़ दूंगी, क्योंकि आप लोग तो मेरी रेसिपी के वीडियोस ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बाकी मेरे जो भी घूमने के हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप उतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा है कि आज के बाद है ना, अगर रेसिपी है तो ही वीडियो अपलोड करूँगी, नहीं तो मैं भी उस दिन छुट्टी कर दूँगी, मुझे भी रिलैक्स हो जाएगा और आप लोग भी जो मेरे पिछले वीडियोज़ हैं उसे इंजॉय करेंगे। चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं अपने जो भी रूटीन है शेयर करूं या सिर्फ रेसिपी वाली रूटीन व्लॉग ही शेयर करूं। आज मैं 1 किलो मटन की यखनी बिरयानी बना रही हूं। इसकी भी सारे इंग्रेडिएंट इंशाअल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि वीडियो छोटा होता है और क्या बोले तो बातें लंबी होती हैं और सही से हर चीज़ नहीं होती है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, मैंने अभी उंगली करके बताई ना, आप चाहें तो मटन को पूरा भून कर सुखा भी सकते हैं। मैं हमेशा वैसे नहीं भूनती हूँ, क्योंकि मटन को उतना सुखा कर भूनेंगे ना तो मटन स्टॉक नहीं निकलता है, मतलब शोरबा, उसकी वजह से है ना चावल ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते हैं, पर मटन तो माशाल्लाह टेस्टी बन ही जाता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, अगर नमक और हल्दी डालकर उबाला हुआ चिकन है तो उसको भूनती हूँ, मटन भी है तो, नहीं तो ऐसा अगर कच्चा तड़का लगाई ना तो मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। और बिरयानी में है ना, आपने कभी कड़ी पत्ता डालकर बनाया है? नहीं बनाया है तो ज़रूर ट्राई करिए। आज तो मैंने कसूरी मेथी डाली है, 1 किलो चावल, 1 किलो बिरयानी ली है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोज़ में मैं कड़ी पत्ते की बिरयानी भी आपके साथ शेयर करूँगी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी लगती है।
मैं हमेशा है ना मटन कम ही रहता है मेरे ख्याल से, जब से व्लॉग शुरू है आज ही मैंने बराबर क्वांटिटी में मटन डाला है। एक्चुअली ये मेरी फ्रेंड के बच्चों को भी देना है मुझे, तो उनके लिए मैं ज़्यादा मटन के पीसेस रखूँगी, और घर में तो चावल कम ही लगते, मटन कम ही लगता है, चावल ही ज़्यादा लगता है। वैसे ये जब बिरयानी ख़त्म हुई थी ना लास्ट में, इसमें 4-5 पीस मटन के ऐसे ही बाकी थे। चलिए सीटी हो गई, मैंने 4 सीटी ले ली और टाइम पर ही पूरा गैस रिलीज़ कर दिया कुकर का, क्योंकि ऐसा करने से है ना चावल परफेक्ट बनते हैं। एक्चुअली क्या कर नीचे के जो चावल होते हैं ना थोड़े से कभी कभार लाल होते हैं, कभी कभार नहीं होते हैं, वो भी चावल पर डिपेंड होता है। देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं और बहुत परफेक्ट बनते हैं। देखिए हमारे साथ इस वीडियो में यूसुफ भी डिनर कर रहा है, पर अभी वो है ना नागपुर में है। रेसिपी के इंग्रेडिएंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।